हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ्स इज इंटरेस्टिंग। फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने एक और अमेजिंग वीडियो के साथ हूँ और ये वाली वीडियो काफ़ी अमेजिंग होने वाली है। और मैं ये गारंटी लेता हूँ कि यहाँ पर अगर तुम आ गए हो तो तुम्हारा एक सेकंड भी वेस्ट नहीं होने वाला है। काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है ये वीडियो उन बच्चों के लिए जो 95% से ज़्यादा का स्कोर करना चाहते हैं या उनके मन में है कि वो इतना स्कोर करें। तो यहाँ पर मैं बता दूँ कि मैं तुम्हें कुछ ऐसे पॉइंट्स बताऊँगा जो जिनको अगर तुम फॉलो करते हो तो तुम वहाँ तक पहुँच सकते हो अगर तुम मेहनत करने के लिए तैयार हो। इससे पहले तुम पूछो कि मैं कौन होता हूँ तुम्हें बताने वाला, तो मैं बता दूँ कि मेरे क्लास 10th के बोर्ड एग्जामिनेशंस में खुद 96% के आसपास मार्क्स आए थे। यहाँ साइड में तुम मार्कशीट देख सकते हो। तो चलो फ्रेंड्स, बकवास नहीं करते हैं और चीज़ों को स्टार्ट करते हैं। देखो, लास्ट में मैं तुम्हें एक प्रो टिप दूंगा, तो वीडियो पूरी एंड तक देखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली तुम्हारे लिए। देखो, सबसे पहली चीज़, अगर तुम 95% से ज़्यादा का स्कोर करना चाहते हो तो सबसे पहली चीज़ है कि तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए। अगर अभी तक तुमने ये काम नहीं किया तो सबसे पहला काम तुम्हारा यही होना चाहिए कि तुम अपने सिलेबस को कंप्लीट करो, द फर्स्ट थिंग। दूसरी चीज़ कि कहाँ से करें, तो मैं तुम्हें बता दूँ कि इधर उधर की फालतू बकवास में मत रहना। NCERT तुम्हारी मेन टेक्स्ट बुक है, उसे फॉलो करो। उसमें जितनी भी थियरी दे रखी है उन सभी को पढ़ो और उसकी एक्सरसाइज की हर एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करो, ठीक है? दो चीज़ें हो गई। रेफरेंस बुक की चक्कर में मत पड़ो। हाँ, अगर NCERT में कोई क्वेश्चन तुम्हारा फंस जाता है, कोई कॉन्सेप्ट फंस जाता है, कोई चीज़ें नहीं समझ में आती, तब तुम रेफरेंस बुक को रेफ़र कर सकते हो। चलो, तीसरी चीज़ के बारे में बात कर लूँ। इन दोनों चीज़ के बारे में हमने बात कर ली, तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, ठीक है? प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करने बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं अगर आप एक बहुत अच्छा सा मार्क्स लाना चाहते हो। 5-6 साल के तो ज़रूर कर लेना, क्योंकि देखो, अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस तुम सॉल्व करके जाते हो ना, तो तुम्हें एक बेसिक आइडिया लग जाता है कि क्वेश्चंस आखिर एग्ज़ाम में किस तरीके के आते हैं, और तुम अपने पेपर का एक बेसिक फॉर्मेट जो है अपने दिमाग में रख लेते हो कि हाँ, एग्ज़ाम में कुछ ऐसे क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो इससे तुम्हारा नर्वसनेस कम होता है और प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी हो जाती है। इसके बाद मैं बात करूँगा कि अगर ये तीनों काम तुम पहले कंप्लीट कर लो, उसके बाद सैम्पल पेपर्स की ओर मूव करो। 8-10 सैम्पल पेपर्स तुम सारे सब्जेक्ट के लगा लो, क्योंकि ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। और सैम्पल पेपर्स ऐसे वैसे नहीं लगाना, एक एग्ज़ाम का इन्वायरमेंट बनाना, एक टेबल चेयर ले लेना है, बुक्स को इधर उधर दूर रख देना अपने आप से, और 3 घंटे का टाइम सेट करो और तब पेपर को सॉल्व करो और फिर उसे चेक करो। सेल्फ चेक कर सकते हो तो सेल्फ चेक करो मार्किंग स्कीम से, वरना कोई एल्डर तुम्हारे भाई बहन है या कोई और है तो उससे चेक करा लो, वरना अगर टीचर्स हेल्प करने के लिए तैयार है तो उनसे चेक कराओ। और फिर पेपर को एनालाइज करो कि हाँ, मुझसे कहाँ कहाँ मिस्टेक्स हो रही हैं। जहाँ मिस्टेक्स हो रही हैं, जिन टॉपिक्स में मिस्टेक हो रही हैं, उन टॉपिक्स को दोबारा पढ़ो, वरना अगर तुम उन्हीं टॉपिक्स को रिवाइज करते रह गए जो तुम्हें ऑलरेडी बहुत अच्छे से आती हैं, तो फिर उससे कोई बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं होने वाला है। ये सारे काम हो गए। इसके बाद मैं तुम्हें बता दूं कि ये सारे काम जब तुम कर चुको तो तुम्हें क्या करना है कि जो पेपर प्रेजेंटेशन है उस पर ध्यान देना है। पेपर प्रेजेंटेशन पर क्यों ध्यान देना है? क्योंकि अगर तुम बहुत अच्छे से चीज़ों को जानते भी हो और अगर साफ़ सुथरा अच्छे से रिप्रेजेंट नहीं करते हो, तो तुम्हारे लिए अच्छे मार्क्स लाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये मैं पेपर प्रेजेंटेशन में सिर्फ इतना ही कहूँगा अभी कि हैंड राइटिंग को थोड़ी ठीक कर लो। ऐसा नहीं कहूँगा कि बहुत अच्छी हैंड राइटिंग होनी चाहिए। अगर हैंड राइटिंग तुम्हारी ऐसी भी है कि सामने वाले को समझ में आए तो बहुत अच्छा है। अगर थोड़ी सी गड़बड़ हैंड राइटिंग है तो थोड़े डिस्टेंसिंग पर लिखो, उससे थोड़ा सा हेल्पफुल हो जाता है तुम्हारे लिए। इसके बाद मैं बता दूँ कि रिविजन जो है वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरे कॉन्सेप्ट तुम अगर पढ़ भी चुको और रिवाइज ना करो तो तुम्हें एग्जाम में बिल्कुल बकवास नंबर आने वाले हैं। तो रिवाइज करो, टाइम टू टाइम रिविजन करते ही रहो, टिल तुम्हारे एग्ज़ाम आ जाए तब तक तुम्हें रिवाइज करते रहना है। ये नहीं समझना कि मुझे तो आता ही है। इसके बाद मैं बता दूं कि तुम्हारा सिलेबस जो है वो 20-25% जो भी घटा है उसके हिसाब से पढ़ लो। जो रेड्यूस सिलेबस है उस पर ज़्यादा कंसंट्रेट करो, क्योंकि आखिरकार वही तुम्हारे एग्ज़ाम में जो है आएंगे, तो उस पर तुम्हारा फोकस ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है? चलो, अब बात कर लेते हैं हम लोग प्रो टिप के बारे में। तो प्रो टिप क्या है? देखो, पेपर जब तुम्हारे एग्जामिनेशंस का आएगा तो ये कोई नहीं देखेगा कि तुमने कितना पढ़ा है या तुम कितना ज़्यादा जानते हो। पेपर का पर्पस कुछ भी हो, लेकिन सामने तुम्हारे पास यही है कि पेपर में जो क्वेश्चंस आए हैं क्या वो तुमको आते हैं। अगर वो तुमको नहीं आते पूरे, तो तुम्हें पूरे मार्क्स नहीं आएंगे, भले तुम कितना भी जानते हो, कहीं से भी तुमने पढ़ लिया हो। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि NCERT पर फोकस तुम्हारा सबसे ज़्यादा होना चाहिए। इधर उधर की बुक्स बहुत कम पढ़ो। हाँ, कुछ सब्जेक्ट हैं मैथ्स वगैरह, उसमें जो है वो प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, तो तुम रेफरेंस बुक से प्रैक्टिस करो, लेकिन NCERT को करने के बाद ही तुम कुछ कर सकते हो। और NCERT से स्टिक होकर रहो, NCERT ही तुम्हारे लिए जो है वो मेन टेक्स्ट बुक है। तो उम्मीद है फ्रेंड्स, ये वाली वीडियो तुम्हारे लिए हेल्पफुल रही होगी। आने वाले दिनों मैं क्लास 10th के लिए काफी इंपॉर्टेंट वीडियोस लेकर आने वाला हूं जो तुम्हारे लिए काफी हेल्पफुल होने वाले हैं। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो पसंद है तो लाइक करो, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके ही जाना, शेयर भी करो यार। चलो फ्रेंड्स, थैंक्स।